पत्रकार बंधुओं, आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो 26 तारीख को प्रोग्राम रखा गया, उसकी तैयारी के लिए हमारे बीच में रणधीर सिंह बेनीवाल साहब, जो चार चार प्रदेशों को देख रहे प्रभारी हैं, चार प्रदेशों के, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, और आज अहम कार्यकर्ताओं की ये बहुत ज़रूरी मीटिंग बुलाई गई। और उस मीटिंग में जो हुड्डा ग्राउंड करनाल के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनका जन्मदिन मनाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश है, और उसमें हजारों हजारों की भीड़, वो किराए की नहीं, अपने बलबूते पर वो कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे। और आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आप भी देश के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आवाज़, आवाम की आवाज़ को उठाने के लिए चौथे स्तंभ का काम करते हैं। हमारी गुजारिश है कि आप इस जो हमारी 26 तारीख का जो प्रोग्राम रहेगा, उसको आप इसमें हाईलाइट करेंगे। और मैं अभी आपको 26 तारीख के लिए भी आपको आमंत्रित करता हूं। और आगे की बात, जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे, जो हमारा अगला प्रोग्राम रहेगा, हमारे रणधीर सिंह बेनीवाल साहब हमारे बीच में बैठे हैं, और साथ में हमारे दूसरे हरियाणा से प्रभारी श्री महेंद्र कुराड़ जी, महासचिव बहुत ही सम्मानित राम कुमार सालवान साहब, पार्टी के हमारे दूसरे सचिव रामदास करनवाल साहब, जिला के अध्यक्ष श्री रूपचंद कटारिया जी, और हमारे दूसरे सचिव रामनिवास फुलिया जी, और वरिष्ठ नेता इंद्रजोत साहब, जिन्होंने पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में आकर इन्होंने आस्था जताई, और ये भी दिन रात इस प्रोग्राम को सफल करने में लगे हैं। और हमारे तमाम साथी यहाँ पर, जिला के विधानसभा के साथी यहाँ पहुँचे हैं, और मैं तो आपका धन्यवाद करता हुआ कि आप बहुजन समाज पार्टी का, आपसे भी हम आशा और विश्वास रखते हैं कि आप हमारा इस परिवर्तन में, ये जो रैली होगी परिवर्तन की रैली होगी, तो इसमें आप सहयोग करने का काम करें। कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली जाएगी? अगली बात तो रैली, हमारा प्रोग्राम रहेगा 12 सेक्टर हुड्डा में, और उसमें हजारों हजारों के जो हमारा पब्लिक, जो कार्यकर्ता है, वैसे तो हमने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है नाम, वहाँ पर पहुँचेंगे हजारों हजारों की तादाद में, तो आप लोग वहाँ पर आमंत्रित हैं। वो रैली हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 12 नज़दीक सेक्ट्रेट के साथ रहेगी। समय रहेगा हमारा वहाँ पर लगभग 12 बजे। जी जी, हम सभी से एक ही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे बीच में अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, और लोकसभा के चुनाव के बाद तुरंत बाद लगभग हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें हरियाणा की सरकार बनती है, और बहुजन समाज पार्टी पूरी मुस्तैदी से, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ इसमें अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने में लगी हुई है। और उसी के मद्देनज़र ये रैली 26 तारीख की हुड्डा ग्राउंड में रखने का काम किया करनाल में। और आप लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है, एक निवेदन है कि इस रैली के माध्यम से हम लोग लोकसभा की बुनियाद रख रहे हैं, और लोकसभा की बुनियाद जो हम अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनकर यहाँ पे उभरेगी, और निश्चित तौर पर हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने कार्यकर्ताओं में बूस्ट करके, उनको आगे बढ़ा करके, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहते हैं कि इस बार हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार हम लोग पूरे हरियाणा में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पर हम लोग इस बार सरकार में शामिल होना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी अगर
सरकार में शामिल होगी, निश्चित तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को लाभ देने का काम करेगी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प बनकर बहुजन समाज पार्टी उभरने का काम करेगी। और इस कार्यक्रम में जो 26 तारीख का हमारा कार्यक्रम है, इसमें इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी को इस पर डिस्कस और मंथन करते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से आदेश और निर्देश हुआ है कि हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं आदरणीय श्री आकाश आनंद जी, वो इस रैली को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारने का काम करेंगे और रैली को संबोधित करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर वो ऐसा यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करके जाएंगे जिससे हम लोकसभा में अपना खाता खोलने का काम करेंगे। सर, आपने कहा नया विकल्प करके सामने आएंगे, लेकिन कितने समय से पार्टी दिखी तो है नहीं, सड़कों पर नहीं दिखी, धरातल पर नहीं दिखी, लोग कई मुद्दों को लेकर परेशान रहे। हमारे कार्यकर्ता अभी हम लोग यहाँ पे दिसंबर में आए हैं, 17 दिसंबर को बहन जी ने हमें 17 दिसंबर को यहाँ पे भेजा और 22 दिसंबर को हम लोग हरियाणा में हमारी पहली उपस्थिति हुई है। और निश्चित तौर पर इसी 3 महीने के अंदर अंदर हरियाणा के अंदर कुछ न कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि हमारे कार्यकर्ता जो घर बैठे थे उनको हमने मना करके रुस्से होकर हमको लोग लेकर के आए हैं, और जो दूसरी पार्टी हमारे लोग पार्टी छोड़ करके चले गए थे उनको भी हम लोग मना करके रुस्से होकर अपनी पार्टी में शामिल कराने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा साहब, आप नहीं मानते कि 8 साल से एक मुद्दे की अगर बात की जाए, जब से सरकार बीजेपी के बने विपक्ष की बात कर रहे हैं, अगर 8 साल से आपकी पार्टी सक्रिय होती, विपक्ष आपका जो विपक्ष की बात करें वो ज़्यादा मजबूत होता है? नहीं, निश्चित तौर पे मुद्दे तो बहुत सारे हैं भाई। महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, गरीबों का मुद्दा, प्रताड़ित इतना कर दिया इन सरकारों ने, इस सरकार ने तो इतना सरकार मजबूर कर दिया कि रोजगार तक छीन लिए, हमारे बीटेक एमटेक बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, अगर हम लोग इसी सरकार का हम इसी तरह साथ देते रहे तो निश्चित तौर पर सम्मानित जितने भी हमारे बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे भाई हैं, वो टोकरी ढोने का काम करेंगे, मैला ढोने का काम करेंगे। सर, ये नहीं लगता है मुद्दे गिनवा रहे, इतने सारे खुद मुद्दे गिनवा रहे, पर बहुजन समाज पार्टी अभी तक किसी भी मुद्दे को नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हर वर्ग के साथ में सर्वे समाज के जो भी मुद्दे हैं, पीड़ित लोगों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उनके साथ खड़ी है। शिक्षा के मुद्दे हैं, उनके साथ खड़ी होती है। और अभी आपको ऐसा लगेगा कि हर मुद्दे पे हर क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी हर व्यक्ति के साथ खड़ी मिलेगी। सर, आपको ऐसा नहीं लगता लोगों को अपने साथ जोड़ने में अभी बहुत समय लगेगा आपको, क्योंकि पहले से ही बीजेपी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी भी अगर हम कह लें तीसरे नंबर पे कह लें, अभी कांग्रेस है क्योंकि बड़ी पार्टी है, फिर बीजेपी है, वो तो वैसे ही सरकार में, तो आपको तो अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोई लोग ही आपसे नहीं जुड़े हैं, ना कोई ऐसा मुद्दा आपने उठाया है या इतने समय से अचानक से फिलहाल आए, और 2024 में इलेक्शन है। नहीं नहीं, हम लोग दिसंबर तक अपनी पूरी कमेटी को बूस्ट करके आपको नज़र आएगा, पूरे हरियाणा को नज़र आएगा कि दिसंबर तक हम लोग अपनी पार्टी को ऐसा नज़र आएगा सभी को, एक नीचे से ऊपर तक हर विरोधी पार्टी ये कहने लगेगी कि बहुजन समाज पार्टी अब कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट में शामिल हो जाएगी। प्रक्रिया किस तरह आप जो युवा हैं या लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया कैसे रहेगी? हमारी प्रक्रिया सेम प्रक्रिया है, साहब कांशीराम जी हमारे आदरणीय हमारे महापुरुष, उन्होंने मूल मंत्र दिया है कि हम लोग दोबारा से उसी पैटर्न पे आ गए हैं। हम अपनी सेक्टर कमेटी बनाएंगे, अपनी बूथ कमेटी बनाएंगे जिस पे हम लग गए। एक महीना पहले हमने अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश कर दिए हैं कि सेक्टर कमेटी बूथ कमेटी का काम पूरा करा जाए ताकि हमारी वोट को लूटने वाला ना बचे। अगर हमारे पहरेदार बूथ पर खड़े होंगे, हमारे सेक्टर बॉडी के, हमारे बूथ कमेटी के पहरेदार बूथ पर खड़े होंगे तो हमारी वोट को लूटने वाला दूसरा विरोधी नहीं मिलेगा। सर, अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो मुद्दे वो बेसिक मुद्दे जो लोगों को ज़रूरी होते हैं, अभी अगर हम बात कर लें तो शहर के सीवरेजों का बुरा हाल है, अगर कह दें तो लाइटों की व्यवस्था, लाइटें तो भी लगाने की बात की गई थी लेकिन लाइटें सभी ख़राब हैं, अच्छे अच्छे पोश इलाकों में भी लाइटें नहीं जगती, वहाँ माताओं बहनों को रात को अंधेरे से जाना पड़ता है, ये ज़रूरी मुद्दे हैं। तो ऐसे और सड़कें जो हैं, जो सड़कें पहले से ही ठीक है उन्हें तोड़ा जा रहा है, उन्हें खराब करके उन्हें फिर से रिपेयर किया जा रहा है, तो ऐसे तमाम मुद्दे आपके पास हैं, क्या इन मुद्दों पर जो है पार्टी अब कोई वर्किंग करेगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शंस हैं, अभी आपके साथ तो जनता जुड़ी नहीं, अभी इन मुद्दों को छेड़ेंगे तो शायद जुड़ जाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इन पे जो धरातल के मुद्दे हैं, जमीनी स्तर के मुद्दे हैं,
हम लोग इन पे काम करेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को रैली में भी इस बात के लिए संबोधित करेंगे और खास करके आपके माध्यम से भी अपनी बात को हम जनता में पहुंचाने का काम करेंगे। जो हमारे छोटे छोटे मुद्दे, सीवरेज के मुद्दे, लाइट के मुद्दे हैं, सम्मानित जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं उनको हम बूस्ट करके इस कार्य पर लगाने का काम करेंगे। चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें सड़क पर उतारना पड़े, चाहे हमें घेराव करना पड़े, हम जो भी जनता के लिए जो भी पॉसिबल होगा उसको करने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी किसी व्यक्ति को अनाज बांट करके भिखारी नहीं बनाना चाहती। बहुजन समाज पार्टी कोई लालच दे करके, किसी भी तरह का कच्चा लालच दे करके, जिसको जो देश के ऊपर बोझ बन सकता हो, जो देश के टैक्स से निकलता हो, देश की जनता से निकलता हो, ऐसा लालच दे करके जनता को कभी भी भ्रमित करना नहीं चाहती। बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि देश में रोजगार पैदा किया जाए। अगर हमारा बेरोजगार रोजगार पे लग जाएगा तो इन चीज़ों की पूर्ति वो खुद ही कर लेगा। समाज पार्टी की रैली में हमारे आदरणीय श्री आकाश आनंद जी, जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से पार्टी को देखने का काम कर रहे हैं। वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर रहेंगे, अपने का काम करेंगे। और पूरे हरियाणा में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज, विधानसभा वाइज हम लोगों ने उसमें कार्यक्रम किए हैं, रैली के बारे में रैली की तैयारी करने का काम कर रहे हैं। ये लास्ट हमारी मीटिंग थी करनाल में, हम लोग लगभग 17 दिन हो गए इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं और लगभग 50,000 की भीड़ हमारे पास इस कार्यक्रम में आने का काम करेगी। हरियाणा के लोगों को, हरियाणा रैली का समय 11 बजे का दिया है, लगभग 12 बजे तक रैली का ग्राउंड फुल हो जाएगा और हमारे मुख्य अतिथि और हम लोग भी 12 बजे लगभग वहाँ पर पहुँचने का काम करेंगे। फिलहाल आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और फिर से जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।